चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे आग्रह करूंगा, कमल के निशान पर बटन दबाना है। याद रखिए, 8 फरवरी को छुट्टी नहीं है। राष्ट्र विरोधी राजनीति करने वालों की छुट्टी करने का ये दिन है। आप भारी संख्या में पोलिंग बूथ पर खुद भी आइए और अपने साथियों को भी लाइए। भाइयों बहनों, 8 फरवरी को ठंड अगर ज्यादा भी हो, फिर भी आपको सुबह जल्दी जल्दी वोट करवाने के लिए निकलना है। करोगे ना? पक्का? घर घर जाओगे? मतदाताओं से मिलोगे? 8 तारीख तक एक एक घर छान मारोगे? हर एक को नमन करके सत्य समझाओगे? गरीबों का भला करने के लिए विश्वास दिलाओगे? उनको वोट करने के लिए बूथ पोलिंग ले जाओगे? एक भी पोलिंग बूथ हारेंगे नहीं, आपका संकल्प है। हर पोलिंग बूथ मजबूत होगा, हर पोलिंग बूथ विजयी होगा। भाइयों बहनों, आपका पोलिंग बूथ जीत गए तो दिल्ली भी जीत गए और 21वीं सदी का दिल्ली भी बना के रहेंगे। इस संकल्प के साथ मैं फिर एक बार इन सभी साथियों को, पीछे वालों को खड़े होने दीजिए, उम्मीदवारों को, सभी उम्मीदवार आ जाएं, सभी उम्मीदवार आ जाएं। आप सब इतनी बड़ी तादाद में हमारे इन साथियों को आशीर्वाद देने के लिए आए, इसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इस वक्त हमारे साथ है द्वारका विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रद्युम्न राजपूत, उनसे हम बात करते हैं। आज हमारा कार्यकर्ता आत्मविश्वास से सराबोर है, आत्मविश्वास उनका बढ़ा है, जोश है, उत्साह है पूरा। पिछले दिनों भी मैंने अपनी पदयात्राओं में, नुक्कड़ सभाओं में, जनसभाओं में मैंने खुद महसूस किया कि माताओं का, बहनों का, सबका आशीर्वाद मिला और बदलाव चाहते हैं वो, और एक आशा भरी दृष्टि से बीजेपी की तरफ देखते हैं कि ये लोग आएंगे तो काम करेंगे। जैसे मोदी जी ने पिछले दिनों इतने सारे काम किए देश हित के अंदर, देश के विकास के लिए, और केंद्र सरकार हमारी दिल्ली के विकास के लिए भी काम कर रही है। जो मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने सारे काम आप लोग गिनवाएं, वो दिल्ली की भी चिंता कर रहे हैं और दिल्ली के लिए भी उतना ही कमिटेड हैं, लेकिन दिल्ली की बहुत सारी योजनाओं को दिल्ली की सरकार केजरीवाल ने दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। तो जैसे जिस तरह से चुनाव प्रचार आपका चल रहा है, इसके बाद आगे क्या रणनीति रहेगी? दो तीन बचे हुए हैं जी, प्रचार बंद होने में। जी जी, तरह से आपने अलग अलग राज्यों से सीएम को बुलाया, और भी कोई आने वाला है? देखिए, हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, हमारे पास बहुत नेता हैं, इनकी पार्टी तो वन मैन शो है, एक परिवार की पार्टी बन के रह गई है। जो भी इनकी पार्टी के अंदर बोलता है उसको निकाल के बाहर कर देते हैं, इनकी पार्टी में कोई लोकतंत्र नहीं है। तो हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, और जब भी कोई चुनाव होते हैं तो एक प्रदेश के नेता दूसरे प्रदेश में जाते ही हैं और सबका मार्गदर्शन यहाँ की जनता को मिल रहा है, और केजरीवाल सरकार के जो नाकामियाँ हैं उनको यहाँ उन्होंने जनता के बीच में उजागर की है और उस सच को सामने रखा है, पब्लिक समझ रही है। कल जो केजरीवाल आए थे आपकी विधानसभा में, अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो है लोगों ने उनका बहिष्कार किया, पर्चे फेंके, तो इस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? मेरे तो अपने प्रोग्राम हैं, मेरी नुक्कड़ सभाएँ थी, मेरी पदयात्राएँ चल रही थी, मुझे जानकारी मिली कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, और लोगों में गुस्सा है इस बात का कि जो अपने आप को सबसे ज़्यादा ईमानदार कहता था, अपने आप को हरिश्चंद्र समझता था, जब उन्होंने देखा कि द्वारका में टिकट बिके हैं
करोड़ों के रुपए के अंदर, तो अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। और जो जिस परिवार को, महाबल मिश्रा परिवार को आप पार्टी का जो टिकट मिला है, वो परिवार पहले ही यहाँ पर आरोपों से घिरा हुआ है और लोग समझते हैं और महसूस भी करते हैं, उन्होंने देखा भी है कि इन्होंने केवल अपने परिवार की राजनीति, परिवार के विकास की राजनीति, जमीनों पर घोटाले और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप रहे हैं। उन्होंने, उनको इस बात की चिंता नहीं रही है, उन्होंने तो बल्कि पूर्वांचल के लोग, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, पूर्वांचल के लोग भी ठगा महसूस करते हैं। वो पूर्वांचल के नाम पर राजनीति करते थे, खुद पूर्वांचल के लोग कहते हैं कि पूर्वांचल के लिए उन्होंने कोई भी एक काम किया तो बताओ। तो आज पूर्वांचल के लोग भी इनसे दूर जा रहे हैं, छिटक रहे हैं, उनका भी हमें सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, जो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने आकर यहाँ पर हमारा हौसला बढ़ाया और लोगों को बताया कि दिल्ली में वाकई में लोग बदलाव चाहते हैं और अगर मैं चुन करके आता हूँ तो लोगों के विश्वास को कभी नहीं टूटने दूंगा। कैमरामैन गौरव के साथ विनय सिंह, ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली। चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।